साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां होगा कैसा तापमान का हाल, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता का क्या रहेगा हाल। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की पाँच बड़ी खबरों के साथ। तो पाँच बड़ी खबरों में सबसे पहले हम अगर बात करते हैं गुजरात की, तो वहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद गुजरात के लिए जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर में हम जानते हैं राजस्थान के बारे में, जहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बरसात राजस्थान में हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान उत्तराखंड में लगाया गया है। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार लगाए गए हैं। इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं यहां पर जताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको नजर बना के रखनी है, कहाँ आपको सावधान रहना है और किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे पीछे भारत का एक नक्शा देख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की। यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ हल्की मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर तेज़ बरसात के साथ गरज चमक के साथ बिजली भी चमक सकती है और मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं नज़र बनाए रखने वाले क्षेत्रों की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होगी गरज चमक के साथ और तेज़ हवाएं चलती हुई नजर आएंगी, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होने के अनुमान है। यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों के अंदर भी आपको नजर बना के रखनी है। मूसलाधार बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कहाँ पर कैसा रहेगा, कहाँ कम बरसेंगे बादल, कहाँ ज़्यादा बरसात हो सकती है। साथ ही साथ अगर सब नज़र डालें हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने का अनुमान है, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी जगहों पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं, जहाँ पर सबसे पहले बिहार पर नजर डालिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें, तो यहाँ पर भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, जहाँ पर अंडमान और निकोबार में अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान बताए गए हैं। तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बरसात होगी। साथ ही साथ केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है, लेकिन तेलंगाना, भीतरी कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तेज़ बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा की बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में कहाँ पर मौसम कैसा रहा, कहाँ कम बरसे बादल और कहाँ ज़्यादा बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन क्षेत्रों की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों में डालें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करें, तो इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार पर नजर डालेंगे, तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु,
और केरल की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, तो इन सभी जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों पर नज़र डालिए, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो इन राज्यों में भी लगभग हर राज्य में बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और जानेंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या हाल रहा। तो चलिए जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों का तापमान का हाल। तापमान का हाल में सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 6 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर इन राज्यों के अंदर कुछ इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नक्शे के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं, तो इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। यानी कि इन राज्यों में अधिकतम तापमान की स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की, तो इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। तो मैदानी इलाकों के क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति रही। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया, जो कि 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब इसके बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जो कि हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तो इन राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो मैदानी इलाकों का जो तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से थी। इसके साथ ही अगर न्यूनतम तापमान में हम बात करें सबसे कम तापमान की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार और मध्य महाराष्ट्र के जलगांव की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम का खबर में अब अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान भारत के अलग अलग राज्यों में और क्या कुछ स्थिति रही, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं।
देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही उसको हमने आपके साथ साझा किया। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता का क्या श्रेणी दर्ज की गई, कहां पर वायु गुणवत्ता कैसी रही। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया। यहां की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। मुंबई के बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। कोलकाता की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज हुई है। लखनऊ पर नज़र डालें, गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया है। यहाँ की जो हवा की श्रेणी थी वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की अगर हम बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। पटना के बाद अगर बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया है, यानी कि हैदराबाद की जो हवा है वो भी अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ अहमदाबाद की अगर बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया है, यानी कि अहमदाबाद की हवा भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर सोमवार को यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आएगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार को कड़ी धूप खिलेगी। गुरुवार को फिर से वैसा मौसम हो जाएगा, हल्के फुल्के बादल खिलेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आएगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें, तो 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में रहने सकता है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करते हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है चारों ही दिन। इसके बाद अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो चारों ही दिन यहां पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें, तो न्यूनतम तापमान चारों ही दिन यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें, तो यहां पर सोमवार को बारिश होने के अनुमान है। साथ ही साथ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तीनों दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें, तो 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें, तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो पंजाब के अमृतसर घूमने की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। गुजरात के अहमदाबाद की अगर हम बात करें, तो शुरुआत के 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गुरुवार की अगर हम बात करें, तो गुरुवार को यहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें, तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान अहमदाबाद में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें, तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जा सकता है। राजस्थान के उदयपुर की अगर हम बात करते हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें, तो अधिकतम तापमान में 26 डिग्री
सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान उदयपुर में आने वाले चार दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान राजस्थान के उदयपुर में आने वाले चार दिनों में रहेगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसके बाद अगर मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं तो मणिपुर के इम्फाल के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम की तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान चारों ही दिन इम्फाल में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में मणिपुर के इंफाल में आने वाले चार दिनों में न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो मणिपुर के इंफाल अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां पर 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान चारों दिन यहां पर रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आने वाले चारों दिनों में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पर अगर नजर डालते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यहां पर चारों दिन बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आने वाले चारों दिनों में रह सकता है। साथ ही साथ चारों दिन बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक की अगर बात करें कर्नाटक के मैसूर में आने वाले चारों दिन बारिश के अनुमान जताए गए हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहां पर 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने के अनुमान जताए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहां पर बारिश के अनुमान भी हैं। कर्नाटक के मैसूर घूमने की तैयारी कर रही है तो मौसम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पर नजर डालते हैं तो सोमवार को यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि बाकी के चार दिनों में से तीन दिन यहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहां पर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खेती किसानी की। तो इस समय कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया होगा। आप किसान भाई ऐसे में पानी को खेतों में जमा ना होने दें क्योंकि ऐसे में फसलों को नुकसान पहुंचने की काफ़ी आशंका जताई गई है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह का पूरी तरह से पालन करें। अब ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डाल लेते हैं। कोंकण में धान फूल लगने की अवस्था में है, ऐसे समय में किसान धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। कोंकण में ही इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों, सब्जियों और बागों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां इस समय खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। मध्य महाराष्ट्र में भी इस समय खरीफ फसलों, सब्जियों और बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। यही मौसम साफ होने पर मूंग और उड़द की कटाई करें और कटाई के बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगहों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के सोलापुर जिले में रबी, ज्वार और काबुली चने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य महाराष्ट्र में ही कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनमें टॉपिंग करें। सांगली के अलावा कोल्हापुर और सतारा जिले के मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगर मक्का और बाजरा में नमी की कमी दिखे तो उनमें सुरक्षात्मक सिंचाई करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहां भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश का अनुमान है। ऐसे में काटी गई मूंग और उड़द की फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं सोयाबीन में निराई गुड़ाई का काम करें। वहीं विदर्भ के किसान मूंग और उड़द की कटाई करें। इसके साथ ही यहां तैयार फसलों की कटाई और सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहां मक्का, कपास, अरहर और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों से पानी बाहर निकालें। विदर्भ में ही इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। इसके साथ ही यहां धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें।
तो चलिए अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी पालक की फसल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पालक की पत्तियों का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है और पालक की पत्तियों में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पालक की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए नज़र डालते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को देख सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाते हैं हम। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आपको मौसम खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा की जाए और मौसम खबर में वैज्ञानिकों की और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आपको मदद करने की कोशिश रहती है और उम्मीद है कि आपको कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मदद भी मिल रही होगी। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के ब्लॉक गढ़ मुक्तेश्वर के गांव बहादुरगढ़ में। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के 4 चरण हैं। एक तो उत्पादन का प्रबंधन करना, ताकि कोई भी बाजार की चीज केमिकल या कुछ भी उसमें ना डाला जाए। आज मार्केट में लोगों का आम बिक रहा था 30-40 रुपए किलो, मेरा 80-70 रुपए किलो बिक रहा था। हमारा जो पीएच बिगड़ता जा रहा है, ये जो हमारी बीमारी फैलती जा रही है, ये सारी पेस्टिसाइड से फैलती जा रही है। इससे फैलती जा रही है जो हमारे रासायनिक खाद है, इनसे ही हमारे शरीर वीक हो रहा है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती 18 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं वो शो के लिए कोई फैक्ट चेक करना चाहता है। आज मुसलमान आज चल रही हो सवाल है।
आसान नहीं होता पक्ष के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं। इसलिए ना फेक न्यूज ना झूठ, हमेशा सच के साथ दो टू। देखिए मेरे साथ दो टू सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।